गैर भाषा में बातें करना। किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर प्राण आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलेंगे और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी उसे हुई, उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर, गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया, ऐसा मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला, उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके पास गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा, उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया हूं। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है ना पंजाबी है ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट करती है आपकी आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती है होली स्पिरिट से। आमीन। और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हाँ, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है। हाँ, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है ये। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन। और आपके ऊपर डाउनलोड होती है चीजें। आपको मालूम होता है आपका सगा भाई किसी कोई गलती में है, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है और गैर भाषा नहीं है तो। हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना यह विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है मरकुस उसका लास्ट बाप कहते हैं जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, गैर भाषाओं में बातें करनी। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है।
बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन, आमीन। ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको फिर आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है आपको लाखों लोग देने के लिए। ओ आमीन, छोटा है चर्च, लेकिन बात यह है तुम कितने पक्के हो, कितना अड़े और खड़े रहते हो, तुम्हारा विश्वास कितना है। हालेलुया, तुम्हारा फेथ कितना है। डैनियल के बारे में परमेश्वर ये उनको बता रहा था लोगों को कि अगर डैनियल पढ़ सकते हैं, अगर ये इस बंधुआई में भी सुरक्षित रह सकते हैं, ब्लेस्ड रह सकते हैं, बल्कि ऊंचा भी हो सकते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती उनके जिंदगियों में डिसऑनर, बेइज्जती और शर्मिंदगी दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दुनिया करते थे वो करते थे। हालेलुया। मैंने क्रिश्चियन घरों की शादियां देखी, उनमें और दूसरे लोगों में 1% भी फर्क नहीं। सेम वही वो करते हैं, पैरों में बना बना के क्या सब चीजें, और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। शराब चलती है शादियों में, हम क्रिश्चियन हैं। गाने चलते, बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इसीलिए आज हर व्यक्ति परमेश्वर को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहा जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, और वो संघर्ष कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि बिना इस इन चीजों के मैरिज नहीं हो सकती, तो आप मेरी मैरिज की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है और अच्छा हो सकता है और बेस्ट हो सकता है, पर जब तक आपकी मैरिज में कोई शराब पी के दो चार घूसे ना मारे, एक दूसरे को मजा ही नहीं आता आपको, जब तक फुफ्फड़ नाराज ना हो शराब पी के, मजा कितना होना। हाँ, लेकिन ये चीजें एक रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा देने से पहले आपकी छोटी आज्ञाकारिता को चेक करते हैं। छोटी आज्ञाकारिता, आपने 2 रुपए चुराए कि नहीं चुराए, आपने 5 रुपए की हेरा फेरी की कि नहीं। लेडीज की गए सब्जी में, चलो जी एक नींबू चक्या बेच पा लिया, ये उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी 100 करोड़ की चोरी हो परमेश्वर के सामने। उतनी बड़ी चोरी है ये भी, उतनी ही बड़ी परमेश्वर समझता है इसे जितनी 100 करोड़ को समझता है। आप बोलते हो ना फलाना फलाना जी सरकार में चोरी कर लीजिए 100 करोड़ की, वो नींबू की चोरी भी 100 करोड़ की चोरी के बराबर है। आपको मालूम परमेश्वर इतना सीरियसली उसे लेते हैं। एस्तर गई राजा के सामने, वापिस आई, जब उसके स्टाफ से मिली, स्टाफ बोलता ये सब चीजें ठहराई हैं तेरे लिए, कहती जो ठहराया मुझे वही चाहिए। बाकी लेडीज जो नहीं ठहराया वो भी मांग रही थी, लालच कि अब आई तो है ही है, अभी फाड़ लो आईफोन 13 भी ले लो, नवा आ गया 12 भी ले लो, 11 भी ले लो। एस्तर बोली क्या ठहराया मेरे लिए, कहते ये ठहराया, कहते बस जो ठहराया वही चाहिए, कोई लालच नहीं। ग्रेट लोग, महान लोग जो बड़ी पोजीशंस पे गए, उनकी छोटी छोटी आदतें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से वो गए। छोटी हैबिट्स, लेकिन आत्मिक जिंदगी डेड कर ली आज ये छोटी गंदी आदतों की वजह से, आत्मिक जिंदगी खत्म कर ली ये छोटी छोटी गंदी आदतों की वजह से। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, अगर आप फेसबुक पे ज्यादा समय बिताते हैं, आप कभी लाइफ में क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ अंडर अटैक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अटैक के नीचे शैतान आप पे काम कर रहे हैं। ये मुश्किल है, पर इसके जैसा असर
कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। इसकी जैसी ब्लेसिंग परमानेंट वाली कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। अरे मुंह खोलो, खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ तो सही। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ खड़ा है, मुंह खोलो। आमीन। अगर इस तरह से चलोगे ना तो मुंह खोलना, डरना मत किसी से भी, वो तुम्हारे साथ होगा। बोलो, छोटी आदतें, छोटा विश्वास बड़े को जन्म देते हैं। आमीन।